हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ये वीडियो है हमारा टेक्सचरिंग के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको साईफाई ग्रेनेड मॉडल को माया के अंदर मॉडलिंग करना सिखाया और उसके बाद उसका यूवी अनरैपिंग हमने किया। आज के वीडियो में हम लोग इसको टेक्सचर करेंगे सब्सटेंस पेंटर के अंदर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सब्सटेंस पेंटर में हम इसे टेक्सचर कैसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये मेरा वो मॉडल है, मैं फ़िलहाल अभी माया में हूँ। तो ये मेरा वो मॉडल है, हमें क्या करना है, मॉडल को पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फाइल में एक्सपोर्ट सिलेक्शन बोलकर, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर हमें जो भी मॉडल चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कंप्यूटर में आता हूँ, माई कंप्यूटर, सॉरी मैं इसमें जाता हूँ डेस्कटॉप में, और यहाँ पर मेरा वो फाइल है जहाँ मैंने अपने मॉडल को रखा है। ठीक है, डेस्कटॉप में मैंने वो फोल्डर में रखा था और यहाँ पे हमें क्या करना है, FBX में एक्सपोर्ट कर देना है। मैंने पहले से ही एक FBX एक्सपोर्ट करके रखा है, यहाँ पे देखिए FBX से मैंने एक्सपोर्ट करके रखा है। तो देखिए, जब भी आपको सब्सटेंस पेंटर में टेक्सचरिंग करना हो तो आपको FBX में आपको एक्सपोर्ट करना होगा, क्योंकि माया फाइल को सब्सटेंस पेंटर रीड नहीं करता है, आइदर OBJ फाइल या FBX आपको लेकर जाना होगा। बट बेहतर होता है कि आप FBX लेके जाएँ, FBX जो होता है वो ज़्यादा हैवी नहीं होता है OBJ के मुकाबले में, OBJ ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो बेहतर रहेगा कि ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप FBX लेके जाओ। तो मैंने पहले से ही उसे एक्सपोर्ट करके रखा है, तो फिलहाल मैं यहाँ एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ और हम लोग आ जाते हैं सब्सटेंस पेंटर में। तो देखिए, जब आप पहली बार सब्सटेंस पेंटर जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर सामने आता है। ये जो बीच में आप देख सकते हो जहाँ मेरा कर्सर है अभी, ये हिस्सा कहलाता है व्यू पॉट। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इसके बारे में, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिर भी दोबारा देख लीजिए, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। तो गाइज़, ये है हमारा व्यू पॉट और यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल होता है, यहाँ टेक्सचर से लिस्ट होता है आपके जितने भी टेक्स्चर्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल होता है, यहाँ लेयर्स होते हैं, यहाँ सेटिंग्स होता है टेक्स्चर का और यहाँ कुछ मटेरियल्स दिए हुए होते हैं। मैं सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, जो जितने भी टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक नोड बेस होता है और एक लेयर बेस होता है। नोड बेस की बात करें तो मारी नोड बेस होता है और सब्सटेंस पेंटर जो है वो लेयर बेस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये लेयर बेस है। फिलहाल हम क्या करते हैं, जो हमने अपना मॉडल बनाया था उसको इम्पोर्ट करते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ जाएंगे फाइल में, फाइल में गए, यहाँ पर न्यू में जाएंगे और देखिए एक न्यू प्रोजेक्ट का एक विंडो खुलकर सामने आएगा। सबसे ऊपर होता है टेम्पलेट, ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है PBR मेटेलिक रफनेस अल्फा ब्लेंड स्टारर एसेट्स। PBR का मतलब क्या है, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। ठीक है, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग इसको बोलते हैं, जैसे कि एक कोई भी ऐसा मटेरियल जहाँ पे जो टेक्सचर होता है ना वो आपका बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है, उसमें थोड़ा बहुत खुरदरापन होता है, थोड़ा बहुत रफनेस होता है, वो आप फील कर सकते हो मटेरियल को देखकर। पहले के टाइम पे जब अगर आप 90s वगैरह के टाइम के अगर आप कोई वीडियो गेम आप देखोगे तो वहाँ पे जो टेक्सचर होते थे ना वो PBR नहीं होते थे, वो नॉर्मली बस एक कलर मैप लगा के छोड़ देते थे। अगर आप पुराना जो GTA का वर्जन है, GTA San Andreas या GTA Vice City अगर आपने खेला होगा तो आप देखोगे वहाँ पूरा जो टेक्सचर इंटायर गेम का जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वहाँ पे कोई भी नॉर्मल मैप, हाइट मैप, ऐसे किसी मैप को यूज़ नहीं किया जाता है और ना ही कोई मेटलिक या रफनेस मैप, सिर्फ कलर मैप देकर वो काम चला लेते थे पहले के टाइम पे। बट वो पुरानी बातें हैं, अभी के टाइम पे PBR टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्चर को कई मल्टीपल मैप्स के थ्रू निकालते हैं। लाइक अगर एक समझ लीजिए कि एक मिट्टी का टेक्स्चर है, सॉइल टेक्स्चर है, तो एक कलर मैप होता है, एक मेटलिक मैप होता है, एक रफनेस होता है, नॉर्मल होता है, हाइट होता है, डिस्प्लेसमेंट मैप होता है। तो इन सारे को लेकर जो होता है, जब वो आप कंबाइन करके एक टेक्सचर बनाते हैं तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है, एक रियल फील देता है। इसीलिए PBR जो टेक्सचर है हम लोग उसे यूज़ करते हैं। और मेटेलिक रफनेस अल्फ़ा ब्लेंड ये जो होता है, मतलब इसमें मेटेलिक का फील होगा, रफनेस भी होगा और अल्फ़ा ब्लेंड कहते हैं, अल्फ़ा ब्लेंड होता है जहाँ पे आपको ओपेसिटी की ज़रूरत हो, लाइक सपोज़ करिए कोई ग्लास वगैरह ऐसा कुछ बनाना हो तो वहाँ पे हम लोग अल्फ़ा ब्लेंड वाला यूज़ करते हैं। तो ये टेम्पलेट है बेसिकली, इसके अंदर कई सारे टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे ब्लेंडर आप देख सकते हैं, डॉटा है, की शॉट है,
मैक्सवेल है, और अगर नीचे से यहाँ वीरे होता है, अनरियल होता है, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल ये जो बाय डिफॉल्ट होता है पीबीआर मेटेलिक रफनेस अल्फा ब्लेंड, उस पे ही हम लोग रहते हैं। अभी ज़्यादा हमें झोल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल जो है बाय डिफॉल्ट उसको ही रखते हैं। नीचे अगर आते हैं तो यहाँ फाइल है जहाँ पे आपको अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरा आ गया साईफाई ग्रेनेड वाला, वहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा। यहाँ देखिए आपको ये सारे जो एक्सेप्टेबल फाइल हैं उसके बारे में आपको बता रहा है कि ये कौन कौन से फाइल को ये सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ BX है, ABC यानी कि एलएमबी कैश है, OBJ है, ठीक है, इतने सारे को यूज़ कर सकता है। तो हमने FBX यूज़ किया है, तो क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे, तो ये हमारा आ गया फाइल में। देखिए फाइल पाथ यहाँ पे शो कर रहा है। नीचे जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में, तो ये डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन मांग रहा है, यहाँ पे देखिए 1K में है, 1024 यानी कि 1K रेजोल्यूशन है। ये बेसिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन आपका एक्चुअल रेजोल्यूशन नहीं होता है, मतलब जब आप काम शुरू करेंगे तो व्यू पॉट में ये कितने रेजोल्यूशन में दिखलाएगा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं अभी हमेशा 2K में रखता हूँ। याद रखिए ये सिर्फ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन है, इसका आपके ओरिजिनल मैप से या रेंडरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन। उसके बाद आता है नॉर्मल मैप फॉर्मेट, ये क्या होता है, देखिए इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसे हमने क्लिक किया और दो चीज़ खुलकर आ रहा है, डायरेक्ट एक्स एंड ओपन जीएल। यहाँ पर मैं आपको इंडस्ट्री लेवल की एक प्रो टिप देने वाला हूँ, ये चीज़ें आपको कोई बताएंगे नहीं क्योंकि हमें भी किसी ने बताया नहीं था, हमें तो बाद में इंडस्ट्री में काम करते करते ये चीज़ें पता चली। ये चीज़ें इतनी डिटेल में कोई भी इंस्टीट्यूट, मैक हो या एरिना हो, कोई भी आपको इतना बताएगा नहीं। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली जो होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं बस ये डायरेक्ट टैक्स है इसमें क्लिक करके छोड़ दो, ऐसा नहीं होता, पहले इसकी बात को समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें गेमिंग इंजन पे काम करना हो। सपोज करिए अगर आप कोई गेमिंग एसेट बना रहे हो, आप किसी गेमिंग कंपनी में काम करते हो, तो गेमिंग में हम लोग डायरेक्ट टैक्स को यूज़ करते हैं। और ओपन जीएल जो है यहाँ पर, ये वो टेक्नोलॉजी है जब हम VFX में यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी VFX कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो VFX में जिस तरह के रेंडर इंजन यूज़ किए जाते हैं, फिलहाल अभी के ज़माने में पूरे ऑल ओवर VFX इंडस्ट्री में रेंडर मैन को यूज़ किया जाता है। तो रेंडर मैन क्या करता है, वो डायरेक्ट एक्स वाले जो नॉर्मल मैप्स होते हैं उसको रीड नहीं करता है। अगर आप डायरेक्ट एक्स वाले नॉर्मल मैप को आप बनाओगे तो क्या करता है, वो नॉर्मल को इन्वर्ट कर देता है, मतलब बाहर जाने वाली चीज़ वो अंदर जाएगी। तो मोटा मोटी इस चीज़ को समझें कि अगर VFX है तो वहाँ ओपन जीएल को यूज़ करना है, और अगर गेमिंग है तो डायरेक्ट एक्स को यूज़ करना है, ठीक है। मैं फिलहाल डायरेक्ट एक्स में एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि फिलहाल हम यहाँ किसी ना किसी VFX के लिए काम कर रहे हैं, ना अभी फिलहाल हम किसी गेमिंग के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ। तो फिलहाल हम लोग डायरेक्ट एक्स को छोड़ देते हैं, बट ये याद रखें डायरेक्ट एक्स गेमिंग के लिए होता है और ओपन जीएल VFX के लिए। उसके बाद यहाँ जितनी चीज़ें हैं उसे हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं करना है। हाँ, इधर एक चीज़ आता है इम्पोर्ट कैमरा, ये तब हम करते हैं जब मान लेते हैं कि हमारे मॉडल के साथ एक कोई कैमरा भी हमें अटैच करके टेक्सचर करना है। होता क्या है कि अगर आप VFX वगैरह में काम करते हो या गेमिंग में काम करते हो, तो आपको कैमरा के हिसाब से टेक्सचर देना पड़ता है, बिल्कुल मतलब जिस जो आपका शॉट है उसको लेकर आपको काम करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे में, कैमरा जो ओरिजिनल शॉट है हमारा, जो कैमरा का एंगल है, हमें उस कैमरा एंगल के हिसाब से टेक्सचर करना पड़ता है, इसलिए हम लोग मॉडल के साथ कैमरा को भी इम्पोर्ट करते हैं। तो वहाँ उस समय पे हमें यहाँ क्लिक करना पड़ता है, बट फिलहाल हमारे पास कोई कैमरा नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल एज इट इज से छोड़ देंगे, हमें यहाँ और कुछ छिड़खानी नहीं करनी है और बस ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा ये सामने आ गया मॉडल, ठीक है। एक चीज़ यहाँ याद रखें, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, इस पे हमेशा गौर करते रहें। अगर सपोज करिए कोई आपके मॉडल में इशू है तो यहाँ पे वो एरर बता देगा, और एरर किस टाइप का है वो भी आपको डिटेल में यहाँ बता देता है, तो इस पे हमेशा गौर करते रहें। तो ये हमारा मॉडल है, अभी अगर आप देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो मॉडल है उसके दाहिने साइड से लाइट आ रही है, क्योंकि दाहिने साइड पे लाइट ज़्यादा है और बाएं साइड में लाइट कम पड़ रही है, ये पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि मतलब दाएं साइड से लाइट आ रही है। तो अगर लाइट को रोटेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, उसका एक शॉर्टकट होता है शिफ्ट और मिडिल माउस बटन। जैसे आप शिफ्ट और मिडिल माउस बटन को आप एक साथ दबाएंगे, देखिए कर्सर का
जो आइकॉन है वो चेंज हो गया। अभी आप जैसे जैसे ड्रैग करेंगे आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी मूव कर रहा है, लाइट्स भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए सब्सटेंस प्रिंटर में एक और बहुत बढ़िया चीज़ होता है, अगर आप कोई सा भी की को दबाते हैं, सपोज के लिए अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ, तो देखिए शिफ्ट से रिलेटेड या जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो सारे चीज़ें जो है आपके सामने एक लिस्ट खोल कर आ जाता है कि शिफ्ट दबाने से कौन कौन सा आपका फंक्शन होता है वो शिफ्ट के साथ आ गया। उसी तरह अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो देखिए कंट्रोल वाला सारा आ गया यहाँ पे। उसी तरह ऑल्ट अगर मैं दबा दूँ तो ऑल्ट वाला आ गया। तो ये बहुत बढ़िया फीचर होता है कि आप इन सब सारे चीज़ों को वन बाय वन क्लिक करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो अनेबल हो गए। पहले जब हमने सब्सटेंस पेंटर ओपन किया तो ये सब डिसेबल थे क्योंकि हमारे पास कोई मॉडल नहीं था। अभी ये सब अनेबल हो गए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ प्रॉपर्टीज हो गया, टेक्सचर लिस्ट हो गया। देखिए टेक्सचर लिस्ट में दिखला रहा है कि एक ही हमारा जो मटेरियल था स्टैंडर्ड सरफेस वही दिखा रहा है। यहाँ देखिए मेन शेडर है। अगर मैं माया पे भी चला जाऊँ तो इसमें अगर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर में जाएं तो आप यहाँ देख सकते हो स्टैंडर्ड सरफेस वन। ठीक है, जो हमने माया में जो मटेरियल लगाया था वही मटेरियल आपका यहाँ भी शो कर रहा है स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, अगर मैं सपोज करिए दो तीन शेडर या मटेरियल यूज़ करता, सपोज करिए एक मैं लैम्बर्ट यूज़ कर लेता, एक स्टैंडर्ड सरफेस यूज़ कर लेता, एक ब्लिन यूज़ कर लेता, तो यहाँ वो सारे लिस्ट आ जाते हैं। फिलहाल मैंने एक ही यूज़ किया तो एक हमें शो कर रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ पर ब्रश टूल है, ये इरेजर है, और ये होता है प्रोजेक्शन है। सपोज करिए अगर हमारे पास कोई इमेज है जो इसे प्रोजेक्ट करना है तो हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं धीरे धीरे करके आगे बताऊँगा। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये आता है आपका पॉलीगॉन फिल, वो मैं आगे भी बताऊंगा फिलहाल। और बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे ये क्लोन स्टैम्प है, ठीक है, ये फोटोशॉप वाला है, ये वाला आप देखिए स्मर्ज है, ये भी फोटोशॉप वाला है, ये मटेरियल पिकर है, इसमें भी आप देखिए वहाँ पे फोटोशॉप में कलर पिकर बोल कर होता है, तो ये सब फोटोशॉप जैसा है। लेयर्स भी आप देख सकते हो सभी फोटोशॉप जैसे ही है यहाँ पे। और टेक्सचर सेट सेटिंग्स में अगर आप यहाँ चले जाओ तो यहाँ पे होता है टेक्सचर्स में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सपोज करिए यहाँ पे यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये देखिए साइज़ होता है 2K 4K आप रख सकते हो। ये होता है कि फिलहाल आप जो व्यू पॉट है व्यू पॉट का क्या साइज़ आप रख सकते हो, तो मैं फिलहाल 2K रख रहा हूँ। याद रखिए ये चीज़ें मेन आपका नहीं, आपका मेन रेजोल्यूशन नहीं है। मेन रेजोल्यूशन तब होता है जब आप मैप्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ एक अलग ऑप्शन आता है कि आपको कितने रेजोल्यूशन में मैप को एक्सट्रैक्ट करना है, वो होता है आपका मेन रेजोल्यूशन। ये जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ये 2K में आपको दिखला रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कि आप बहुत ज़्यादा हेवी फाइल यूज़ कर रहे हैं जो बार बार लैग कर रहा है, तो आप इसको 128 में भी रख सकते हैं काम चलाने के लिए। ठीक है, बट फिलहाल मैं 2K में रखता हूँ इसे। उसके बाद नीचे चल रहे हैं तो यहाँ देखिए चैनल्स हैं कि कौन कौन से चैनल्स आप यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो बेस कलर है, हाइट है, रफनेस है, मेटालिक है, नॉर्मल है, ओपेसिटी है और इमिसिव है। यहाँ पे देखिए बाकी सारे चैनल्स तो सही हैं। ये सब बेसिकली वो चैनल्स होते हैं जिनको लेकर हमें काम करना पड़ता है। इमिसिव चैनल यानी कि जो वो पार्ट जो है वो ग्लो करता है, तो ऐसे टेक्सचर जिसको हमें थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट देना है थोड़ा सा, तो वहाँ पर इमिसिव लगता है हमें। फिलहाल हमें इमेसिव की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। जो आपको चैनल्स की ज़रूरत नहीं है आप उन्हें सिंपली कट कर सकते हैं, यहाँ से भी कट कर दिया। और अगर आपको लगता है कि भाई गलती से हमने कुछ गलत कट कर दिया, तो आप वापस इसको यहाँ से प्लस का आइकॉन क्लिक करके दोबारा से आप ला सकते हो। देखिए ओपेसिटी दोबारा आ गया, इमेसिव दोबारा आ गया हमारा। ठीक है, तो जो कट करना है आप कट कर लीजिए और जो चाहिए वो यहाँ से आप दोबारा ला सकते हैं। अनसपोर्टेड चैनल्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे। ठीक है, डिफ्यूज़, ग्लॉसीनेस, IOR यानी कि इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, शीन कलर, ओपेसिटी, स्पेक्युलर, ये क्या होता है कि जब हम लोग रेंडर इंजन पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग मटेरियल देकर हम लोग इसके शीन और IOR को हम लोग वहाँ पे एडजस्ट करते हैं।
एक बात याद रखिए, सब्सटेंस पेंटर सिर्फ टेक्सचर के लिए यूज होता है, ये रेंडरिंग नहीं करते। इसके जो अपना इसका जो खुद का रेंडर होता है आई रे के नाम से, आई रे सिर्फ आपके टेक्सचर को चेक करने के लिए कि टेक्सचर सही बना है कि नहीं, ये प्रोडक्शन लेवल पे काम नहीं आता है। प्रोडक्शन लेवल में आपको अपना खुद का जो आपके कंपनी में जहाँ काम कर रहे हैं वो जो यूज़ करते हैं आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। सपोज करिए कि बहुत सारे जो VFX कंपनी वो रेंडर मैन यूज़ करते हैं, तो आपको ये सारे मटेरियल लेके रेंडर मैन ने प्लग करके वहाँ आपको जो फाइनल रेंडर इमेज है वो निकालना पड़ेगा। अगर आप गेमिंग में है तो आपको अनरियल में जाकर आपको फाइनल जो रेंडर है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ वाला रेंडर जो है वो सिर्फ आपको टेक्सचर टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो समझने की उतनी नहीं है, जैसा है आप उसे वैसे ही छोड़ दीजिए फिलहाल। यहाँ पर मेन चीज़ होता है बेक मेश मैप। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? टेक्सचर सेट सेटिंग्स में, यहाँ होता है बेक मेश मैप। हो सकता है ये जो इंटरफेस है वो शायद आपको थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है, क्योंकि वर्जन का एक प्रॉब्लम होता है। मैं जो सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एडोबी सबस्टेंस का, एडोबी सबस्टेंस जो है वो सबसे नया है, क्योंकि सबस्टेंस पेंटर को एडोबी कंपनी ने खरीद लिया। इससे पहले किसी दूसरी कंपनी का था, मुझे याद नहीं आ रहा है उस क्या नाम था किसी दूसरी कंपनी का। फिलहाल ये एडोबी के अंडर में है, तो ये चूंकि बिल्कुल नया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे इंटरफेस जो है थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो फिलहाल मेरा टेक्सचर सेट सेटिंग यहाँ है, आप देख सकते हो आप वाला कहाँ पे होगा। अगर नहीं है तो इन जगहों पे आप खुद से ढूंढ सकते हो कहाँ पे आपका टेक्सचर सेट सेटिंग्स है। ठीक है, यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे नहीं है तो इस जगह पे ज़रूर होगा, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आता है बेक मेश मैप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये जो बेक करने का इंटरफेस है ये भी बिल्कुल नया है, पुराने वाले वर्जन में इस तरह से बेक नहीं होता था। ठीक है, नए वाले में ये कुछ इस तरह से है, तो आप प्लीज़ डरना मत। अगर आपके पास कोई दूसरा वर्जन है सब्सटेंस का और वहाँ कुछ अलग तरह से आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, काम दोनों एक ही करेगा। बस वर्जन में क्या होता है कि कंपनी वालों को एक चुल मची रहती है कुछ नया करने की, तो बस इंटरफेस को इधर उधर कर देते हैं और फिर एक नया वर्जन बोलकर बेचते हैं ये लोग। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, बस थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर दिया इसने पुराने वाले के हिसाब से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ जो हमारा काम का चीज़ है, कॉमन सेटिंग्स के एक बेसिकली एक जो सिंपल एक मॉडल होता है उसमें हम लोग जब टेक्सचर करते हैं तो वहाँ कौन कौन से मैप्स का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले नॉर्मल है, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल है, आईडी है, एम्बिएंट है, कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस एंड हाइट, एम्बिएंट नॉर्मल, ओपेसिटी। तो हमें कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत है, किसे किसे हमें बेक करना है। देखिए अगर मैं बेक करने की बात करूँ तो हमें नॉर्मल चाहिए होता है, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो आईडी को भी ऑफ कर सकते हैं। आईडी क्या होता है? बेसिकली अगर आप एक बहुत बड़े किसी एसेट पे या इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल का मटेरियल्स है, तो आप क्या कर सकते हो, माया के ही अंदर उन सारे मटेरियल को एक अलग क्या कहते हैं, एक अलग शेडर में अप्लाई कर सकते हो और उसका एक अलग कलर दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है, बस आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मटेरियल को अलग अलग कलर देके माया में ही रखते हैं। इससे क्या होता है कि समझने में आसानी होती है कि कौन सा पार्ट कौन से मटेरियल का है, तो उसको आईडी बेसिकली कहते हैं। ज़रूरत नहीं है इसका, आप नहीं भी दें तो भी चल जाता है। ओके, उसके बाद एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये बहुत ज़रूरी है, ये चाहिए हमें, कर्वेचर चाहिए, पोजिशन की ज़रूरत नहीं, थिकनेस की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है, हाइट हमें चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो हाइट लेते हैं। तो हाइट, कर्वेचर, एम्बिएंट ऑक्लूजन एंड नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आता है आउटपुट साइज, ये होता है मेन, क्या आपका आउटपुट साइज क्या होगा, ये होता है रेजोल्यूशन, मेन रेजोल्यूशन होता है। इसको हम फिलहाल करते हैं 2K, आप चाहे तो 4K भी रख सकते हो अगर आपका सिस्टम इजाज़त देता है तो, अगर सिस्टम इजाज़त नहीं दे रहा है, फाइल बहुत हेवी हो जा रहा है, तो फिर वो फालतू में काम करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप 2K में रह सकते हो। 2K क्या होता है, सबसे ऑप्टिमल होता है, सबसे बढ़िया जो होता है वो आपका 2K होता है, इसीलिए 2K में ही रखें। फिलहाल हमें यहाँ कोई और चीज़ों को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बस इसे बेक कर देता हूँ। ये बेक करने में थोड़ा टाइम लेता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ओके, तो हमारा बेक हो गया है, मॉडल बेक हो गया। अभी हम लोग यहाँ जाएंगे रिटर्न टू पेंटिंग मोड,
ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है। प्रिंटिंग मोड में आ सकते हैं, इसका शॉर्टकट भी होता है F9, ठीक है। ये आपको आपके व्यूपोर्ट में ले जाएगा, ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे भी सारे नॉर्मल्स सारे जो मैप्स हैं वो आ गए, नॉर्मल मैप, एम्बेड ऑक्लूजन, कर्वेचर, हाइट, सारे आ गए यहाँ पे। ओके, तो अब हम इस पे काम शुरू कर सकते। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, अपना रेफरेंस जो है यहाँ पर खोल कर रख लिया, प्योर रेफ जो मैंने आपको बताया था, एक रेफरेंस वाला सॉफ्टवेयर रहता है, तो वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है ताकि हमें पता चले कि हमें किस तरह से टेक्सचरिंग करनी है। इसी मॉडल के हिसाब से हम लोग बना रहे थे, तो इसके ही हिसाब से हम लोग टेक्सचर भी करेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जो दो दो टाइप के मटेरियल्स नज़र आ रहे हैं, एक तो ये बिल्कुल मेटल वाला है, ठीक है, ये पूरा मेटल पार्ट है, ये इसका हैंडल, ये इसका टॉप, ये इसका रिंग, ये मेटल वाला है, बीच में ये वाला, ये मेटल का है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये थोड़ा मैट फिनिश है, ये भी मेटल है बट ये मैट फिनिश है। तो बेसिकली हमें दो मटेरियल्स नज़र आ रहे हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे ना, दो तरह के ग्रुप बनाएंगे स्टार्टिंग में। ये बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल होता है काम करने का। बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे जो बस डायरेक्ट अपने वो लोग क्या करते हैं कि अपना प्रोजेक्ट लोड किया और फिर यहाँ से कोई सा भी मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको बता देते हैं कि भाई ऐसे बना लो वैसे बना लो, ये सही तरीका नहीं होता। प्रोफेशनल वे है कि आप अपना ग्रुप बना कर रखें और बिल्कुल ऑप्टिमाइज रखें अपने सारे काम को। तो ग्रुप का नाम चेंज करते, एक का नाम मैं दे देता हूँ तो दो मैंने नाम दे दिए, एक का नाम मेटल कर दिया, दूसरे का नाम मैट फिनिश कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल मेटल को हम लोग ऑफ कर देते हैं, मैट फिनिश पे काम करेंगे। एक यहां से हम लोग लेंगे फिल लेयर। अभी फिल लेयर क्या है, इस मैट फिनिश वाले ग्रुप के अंडर में, ठीक है, फिल लेयर ले लिया। अभी इस पे हम लोग काम करेंगे। देखिए मटेरियल्स को बनाने के या मटेरियल यूज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको यहाँ पे अपना बहुत सारा प्रीसेट्स मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एल्युमिनियम है, यहाँ पर आर्टिफिशियल लेदर है और स्किन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैब्रिक हैं, कॉन्क्रीट है, मेटल है, सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाएँ तो यहाँ होते हैं स्मार्ट मटेरियल्स। स्मार्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपके मॉडल के कर्वेचर मैप और एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप के हिसाब से वो टेक्सचर अप्लाई करते हैं। सपोज करिए जहाँ कर्वेचर मैप है तो वहाँ पे एज वेयर वो ऐड कर देंगे, जहाँ पे जो एम्बिएंट ऑक्लूजन का जो एरिया होता है, एम्बिएंट ऑक्लूजन बेसिकली कहते हैं कि जो ये जो जो शेडोज एरिया है, जहाँ पे शेडो पड़ रहे हैं उन एरियाज में वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से मतलब टेक्सचर को मैनिपुलेट करते हैं, लाइक डस्ट ऐड कर देंगे वो, ठीक है। जहाँ ए जहाँ पे एजेस है तो वहाँ एज वेयर ऐड कर देंगे। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, सपोज़ करिए यहाँ सपोज़ करिए एक मटेरियल है यहाँ पे प्लास्टिक डस्टी के नाम से, मैं अगर उसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, अभी आप देखिए जहाँ जहाँ पे एजेस है वहाँ पे हमें कुछ डर्ट्स नज़र आ रहे हैं, और ये एम्बिएंट ऑक्लूजन यानी कि जो शेडो एरिया पड़ रहा है वहाँ पे भी हमें कुछ डस्ट नज़र आ रहे हैं। तो ये होते हैं स्मार्ट मटेरियल का काम, ये अपने आपके जो मॉडल है, मॉडल के जो एम्बिएंट ऑक्लूजन और आपके कर्वेचर मैप उसके हिसाब से ये टेक्सचर को अप्लाई करता है, ठीक है। ये होता है आपका स्मार्ट मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और आप इससे चाहें तो अपना खुद का स्मार्ट मटेरियल भी बना सकते हैं। वो सारे मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं बताने जाऊँगा तो फिर वो समझ लीजिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको खुद का स्मार्ट मटेरियल बनाना सिखाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ मास्क, ठीक है, कैविटी, रस्ट है, कंक्रीट एजेस हैं, ये सारे मास्क होते हैं। सेम ये मास्क वैसे ही काम करते हैं जैसे फोटोशॉप में आपने देखा था, जो वाइट एरिया होते हैं वहाँ पे टेक्सचर विजिबल होगा, जो ब्लैक एरिया होगा वहाँ पे टेक्सचर गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पे ये फिल्टर्स हैं अलग अलग टाइप के, लाइक HSL यानी कि ह्यू सैचुरेशन लेवल, हिस्टोग्राम, हाइट टू नॉर्मल मतलब हाइट मैप को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरह के ब्रशेज हैं जैसे फोटोशॉप में होते हैं, यहाँ पे कुछ आपको इस तरह के अल्फाज आपको मिल जाते हैं,
वो अलग अलग जगह पे आप यूज़ करते हैं अपने हिसाब से अब अल्फाज को, ठीक है। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स और कुछ ग्रंजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के ग्रंजेस हैं, आप देख सकते हो डर्ट्स वगैरह, कुछ पैटर्न्स हैं। ये होते हैं आपके इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा SDRI आप चाहते हो, ठीक है। अलग अलग तरह के यहाँ पे इन्वायरमेंट होते हैं। एनीवेज तो हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी कि सिंपल मटेरियल्स में। तो फिलहाल हम लोग आ जाते हैं अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में, नॉर्मल जो मटेरियल्स थे हम लोग उसके ऊपर आएंगे और इसको टेक्सचर करना अभी शुरू करेंगे। अभी देखिए ये जो हिस्सा है इसकी बॉडी का, ये देख सकते हैं ये मैट फिनिश वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये जिस तरह का एक आर्मी का लुक होता है ना, जैसे आर्मी वाली जो चीज़ें होती हैं वो देखिएगा ग्रीन कलर में होती हैं, तो ये ग्रेनेड भी देखिए वो आर्मी के जैसे, आर्मी का जो एक्चुअल कलर है वो उसको डिफाइन कर रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है। हम लोग इसमें भी कुछ ऐसा ही ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा मटेरियल आपको बढ़िया लगेगा। लाइक एल्युमिनियम है, यहाँ पर लाइटिंग मटेरियल है, ब्रास है, कंक्रीट है, ये सब हमें यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ देखिए एक मटेरियल है कोटेड मेटल, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे डाल कर देखता हूँ इस जगह पे, अभी देखिए ये बहुत हद तक ये हमारे जो रेफरेंस वाला मटेरियल उसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। आर्मी वाला भी वैसा लुक आ रहा है हमारा, और ये लगभग बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे रेफरेंस है, बस कलर का थोड़ा सा चेंजेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे प्रॉपर्टीज़ में, नीचे में आप देखेंगे कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ है आपका एक कलर पिकर, इसको उठाएंगे और यहाँ पे पिक कर देंगे। अभी देखिए ये बिल्कुल रेफरेंस वाले कलर जैसा ये हो गया, ठीक है, कूल ओके। अभी देखिए आपको हो सकता है एक प्रॉब्लम आए कि भाई हमें तो ये ग्रीन वाला पार्ट सिर्फ इतने जगह पे चाहिए था, यहाँ पे और यहाँ पे, बट इसने तो पूरे ओवरऑल पूरे बॉडी में इसने अप्लाई कर दिया, इंटायर ऑब्जेक्ट पे कर दिया। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ऐसे जब सिचुएशन में आप फंस जाएं, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग मास्किंग को। मास्क हमें करना पड़ेगा, जिस एरिया में हमें ये नहीं चाहिए उस एरिया को मास्क आउट कर देना पड़ेगा। कैसे करेंगे, बहुत से लोग होते हैं जो मास्क को ना डायरेक्ट मटेरियल पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए मास्क होता है ब्लैक मास्क, एड मास्क के नाम से, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है एड ब्लैक मास्क, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए वो सारा मास्क खड़ी है वहाँ पे। इधर पे देखिए ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, यहाँ पे आप आते हैं पॉलीगॉन फिल में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पहले। तो पॉलीगॉन फिल पे क्लिक करते हैं, पॉलीगॉन फिल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, ट्राइंगल फिल, पॉलीगॉन फिल, मैश फिल एंड यूवी चंक फिल। कैसे करते हैं ये देखिए, अगर आप ट्रायंगल फिल पे करते हैं ना, तो ये जो आपका एक फेस है उसका सिर्फ एक हिस्सा को ही ये मास्क करेगा, एक हिस्सा मतलब जो मतलब एक फेस को ट्रायंगुलेट करके आधे हिस्से पर ये मास्क करेगा। ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, सिर्फ एक हिस्से पे। उसके बाद अगर मैं ये पॉलीगॉन पे कर दूँ तो ये पूरे फेस पे ये अप्लाई होता है, ये देखिए पूरे एंटायर फेस पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है ये होता है मेश फिल, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक इंटायर जो पूरा मेश है वो मेश पे वो अप्लाई कर देगा। और ये होता है यूवी फिल, मतलब इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक यूवी वाला जो शेल होता है, मतलब यूवी का जो एक शेल होता है ना, वो उसको अप्लाई करेगा। सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए इसने इस वाले पार्ट पे मास्क किया बट इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये एक अलग यूवी में था। अगर मैं आपको यूवी आपको दिखलाऊं इसके, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इस वाले में 2D एंड 3D एंड 2D। तो अगर ये आप यहाँ जाएंगे ना, तो यहाँ देखिए ये सब अलग अलग यूवी शेल्स हैं। तो मतलब समझ लीजिए ये क्या करता है, अगर मैं इसे थोड़ा सा आधा आधा कर दूँ यहाँ पे, ये यूवी शेल को टारगेट करके वहाँ मास्क करता है। सपोज करिए ये वाले हिस्से को इसने छोड़ दिया, क्योंकि ये जो है अलग यूवी में है ये सब, ठीक है, छोटे छोटे। ये वाला पूरे एक यूवी में था, तो इसने पूरे इंटायर इस एक फेस को इसने मास्क आउट कर दिया, तो ये यूवी वाला होता है। और यहाँ से आप 3D 2D में आप टॉगल कर सकते हैं, तो हम लोग फिलहाल 3D में चल जाते हैं। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, Ctrl Z करके बैक जाते हैं, जैसे यहाँ ऊपर रख दिया।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों मोड जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। मैं फ़िलहाल यूज़ करता हूँ पॉलीगॉन फिल और ये वाले हिस्से को और ये वाले। पॉलीगॉन फिल क्या करता है, इंटायर हिस्से को ये सिलेक्ट कर लेता है। तो हमने ये दोनों को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। ये देखिए यहाँ कलर होता है, अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ ना, ज़ीरो कर दूँ ब्लैक में, तब अगर आप क्लिक करेंगे तो वो इन्वर्ट करेगा, वो मास्क को वहाँ से हटा देगा, ठीक है। और अगर आप बीच में रखें तो ये आधा आधा करेगा। अभी देखिए ये आधा आधा कर रहा है। तो आप वन रखें और यहाँ पे एंड यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये हमने अप्लाई तो कर दिया बट ये एक्चुअल में गलत है, मास्क करने का ये तरीका गलत होता है। मास्क को कभी भी आप मटेरियल पे अप्लाई ना करें। कुछ सर्टेन केसेस में आप मास्क को मटेरियल पे अप्लाई कर सकते हैं बट ऐसा ना करें। मैंने ये किया आपको समझाने के लिए बट इसको ना करें। इसको यहाँ से जाएं और रिमूव सॉरी इसको यहाँ से जाएं और यहाँ पे रिमूव मास्क कर दें। मास्क जब भी करना हो, कोई ऐसा मास्क जो इंटायर मटेरियल पे करने वाले हैं आप, उसको हमेशा उस फोल्डर पे करें जो फोल्डर आपने बनाया था, ठीक है। ये फोल्डर मैंने मैट फिनिश वाला बनाया था, मतलब इस फोल्डर के अंदर मैट फिनिश वाले जो हिस्से हैं वही आपके कवर होंगे। तो इस पे आप हमेशा आप ब्लैक मास्क चढ़ा लें और फिर इसे यहाँ पे आप अप्लाई करें। सिर्फ कुछ सर्टेन केसेस में हम लोग मटेरियल पे मास्क करते हैं बट ओवरऑल हम लोग हमेशा इस पे यानी फोल्डर पे अप्लाई करते हैं। ये जो लेयर है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इसको डिलीट कर दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट लेयर आ जाता है। ओके तो हमने ये तो बना दिया। अगर आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा बॉडी तो मैच कर रहा है बट आप और भी चीज़ें जो आप बना सकते हैं। आपको याद होगा मैंने एक बात आपको बताई थी यूवी अनरैपिंग के टाइम पे, कि हमें यूवी को जब कट करते तो हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि कहीं भी कोई विजिबल एरिया में कोई सीम्स ना क्रिएट हो जाए। तो अगर ऐसा कोई सीम आपको नज़र आ रहा है तो उसको ख़त्म करने का एक तरीका होता है। यहाँ प्रोजेक्शन में आप चले जाएं, प्रॉपर्टीज़ फिल में आपने मटेरियल सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ फिल या प्रोजेक्शन, यहाँ पे आता है ट्राई प्लानर। अगर आप ट्राई प्लानर पे चल जाएं तो सीम्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। ट्राई प्लानर में करने से आपको कोई भी सीम आपको नज़र नहीं आता है। फिर उसको अपने हिसाब से देखिए, यहाँ एक छोटा सा गिज़मो बन गया, आप यहाँ से इसकी टाइलिंग बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। ट्राई प्लानर पे अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी सीम कहीं भी बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसे आपको याद होगा यहाँ पे हमारा एक सीम था जो हमने यहाँ से कट किया था बट वो सीम अब नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल जो है वो बिल्कुल उस पर इवनली अप्लाई हुआ है। ऑलराइट, तो हमारा जो बॉडी है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग आते हैं मेटल पे, इसे ओपन कर लेते हैं मेटल पे। अब देखिए मेटल में कौन सा आपको लग रहा है कि ये सही मेटल रहेगा। अगर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पे आता है आयरन रॉ डैमेज्ड, इसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये देखिए ये बहुत अच्छा एक लुक दे रहा है आपको। इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ब्लैक मास्क कर लेंगे जैसे मैंने बताया था, आपको हमेशा फोल्डर पे मास्क चढ़ाना है और बस ये वाला ये जहाँ जहाँ आपको चाहिए। इसको भी हम लोग कर देंगे ट्राई प्लानर, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। समझ लीजिए कुछ इतना, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो ये मेटल है वो काफ़ी थोड़ा सा डार्क टाइप का है, तो हम लोग भी इसे थोड़ा सा डार्क टाइप का कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि इसका जो ये एजेस हैं वो थोड़े से अजीब तरह से आ रहे हैं। उसका वजह यह है कि यहाँ पे हाइट मैप का थोड़ा इशू है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाइट मैप को ऑफ कर सकते हो। अगर आप यहाँ से हाइट मैप को ऑफ कर दोगे तो देखिए ये क्लियर हो गया। एक काम और आप कर सकते हो, सपोज करिए अगर आप देख रहे हो कि हाइट मैप बहुत ज़्यादा है तो आप हाइट मैप को यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये जो मटेरियल है यहाँ पे जाओगे हाइट मैप पे,
देखो हाइट मैप काम करता है, जहाँ पे आपका ब्लैक एरिया है वो एरिया डाउन है और जो एरिया वाइट है वो एरिया अप है, ठीक है। तो मटेरियल में जाएंगे हम लोग, इसके हाइट मैप को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है बेस कलर और यहाँ पे आता है हाइट, इसको हाइट में कर देंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा डाउन करते हैं तो देखिए ये हिस्सा अभी ठीक हो गया। ओके इसको दोबारा से आप कर दें बेस कलर में। यहाँ से आप बेस कलर, हाइट, रफनेस, मेटल एंड नॉर्मल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ओके अभी देखिए हमें थोड़ा सा ये डार्क में चाहिए, तो हम लोग वही करेंगे, जस्ट इस पे जाएंगे, कलर पिक करेंगे एंड ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया, तो थोड़ा सा इसको और ये यहाँ से भी आप डायरेक्ट कलर पिक कर सकते हैं। अभी देखिए ये बहुत हद तक ये मैच कर रहा है, ठीक है जी। ओके अभी देखिए हमने ये दोनों बना दिए। अब हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मैंने आपको मॉडलिंग वाले ट्यूटोरियल में बताया था कि जो ये लिखा हुआ पार्ट है इसे हम लोग हाइट मैप के थ्रू यहाँ से निकालेंगे। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये बेसिकली हाइट मैप का ये एज वेयर है उसका, इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रेंडर करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें जो है यहाँ पे ये ज़्यादा हैं, तो जैसे कि मैंने बताया हाइट में जाके आप यहाँ सॉरी हाइट में जाकर इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये जो है इसे हाइट मैप के थ्रू बनाएंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक अलग से यहाँ पर एक लेयर ले रहा हूँ, ऐड लेयर, ठीक है। इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है जी। टेक्स्ट ले लिया हमने, और यहाँ पे देखिए इतने सारे हैं तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हाइट चाहिए और वो भी थोड़ा सा डाउन, हाइट वैल्यूज़ को डाउन कर देंगे, ठीक है। अल्फ़ा है, अल्फ़ा पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप, हमने टाइप लिखा और अपने हिसाब से यहाँ बहुत सारे जो फॉन्ट्स हैं वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, आपको अपने ही मर्जी का जो फॉन्ट है वो ले लेंगे। जैसे हमें ये वाला फॉन्ट मुझे सही लग रहा है, मिलिट्री टाइप लग रहा है ये, तो हम लोग ये ले लेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। जैसे ये नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है W-108, तो हम लिखेंगे W-108, हमने लिख दिया। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो देखिए मैक्सिमम साइज को बढ़ा देंगे हम लोग, अभी देखिए ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट वाले जो बटन है कीबोर्ड में हम लोग उसको प्रेस करके उसके साइज़ को बढ़ा देंगे थोड़ा, और ये इसको यहाँ पे ऐसे टाइप कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए ये लिखा गया 108, सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी करेंगे। वन ज़ीरो एट, ठीक है जी, दोनों तरफ हमने कर दिया। यहाँ देखिए एक और छोटा सा है हाइट मैप है, ये है आपका कुछ ट्रायंगल जैसा कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और ये वाला को डिलीट करके यहाँ देखेंगे, यहाँ बहुत सारे कुछ इस तरह के डिज़ाइन हमें मिल जाएंगे। ये देखिए एक डिज़ाइन यहाँ पर है, ये वाला हम लोग ले लेंगे और इस वक्त क्या करेंगे, देखिए इसका हाइट जो है वो थोड़ा सा कम है तो मैं ये थोड़ा सा घटा दूंगा, ये लाइक इतना मैं कर दूंगा, और इसको इन्वर्ट करना होगा, उल्टा करना होगा इसे। तो हम लोग कैसे करेंगे, एंगल है ना, इसे हम लोग जाएंगे और इसे कर देंगे 90, अरे ये उल्टा हो गया, तो हम लोग कर देंगे 180, 270 कर देंगे और साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये वाला हो गया, इसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक काम कर सकते हैं, अभी आप देखें तो इस जगह का जो कि ट्रायंगल है इसका थोड़ा सा कलर लाइट है, तो हम लोग यहाँ पे कलर भी ले लेंगे और यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और हाइट को थोड़ा सा और कम कर देंगे और थोड़ा सा साइज घटाकर ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। नहीं ये थोड़ा सा गंदा सा हो गया है, इतना में रखते हैं, ये सही लग रहा है, ठीक
ये हमने बना दिया। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, लाइक कंपनी का नाम है, तो हम लोग भी वैसे ही बना देंगे। टाइप और यहाँ पे लिख देंगे कंपनी का नाम, मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, मज़ा 3D। एंगल को वापस से हम लोग 0 कर देंगे, और इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंपनी मज़र 3D। और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है DG-1A1, तो इसको भी हम लोग कर देंगे DG-A1। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हम लोग साइज में बढ़ाएंगे, ये हमने लिख दिया। थोड़ा सा इसके कलर को एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा डार्क में कर देंगे ऐसे। ठीक है, और ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से इसका जो पेंट है वो पील ऑफ हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है जी, बस आपको एक लेना है इरेजर टूल। यहाँ से इरेजर टूल ले लिया, यहाँ पे हम लोग अल्फा में जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें बहुत सारे ब्रश पैटर्न्स हैं। देखिए यहाँ पर एक आता है ब्रश पेस्टल, इसे हम लोग क्लिक कर लेंगे और बस थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हल्का हल्का ऐसे टैप कर देंगे। एक मिनट, कंट्रोल जी करके थोड़ा सा बाहर जाएंगे और इसके थोड़े से साइज़ को कम कर देंगे। अभी देखिए ये थोड़ा सा ऐसे कर दिया, थोड़ा ऐसे। ये जो मैं मैनुअली कर रहा हूँ, इस तरह के काम जो होते हैं ना, ऐसे कलर को जैसे पील ऑफ करके दिखाना, ये आप प्रोसीजर भी कर सकते हो, मैं वो आपको दूसरे एक वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल यहाँ बताऊंगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएंगी। तो देखिए ये हमने ग्रेनेड को पूरा टेक्सचर कर दिया। ठीक है जी, अब आपका टेक्सचर सही से हुआ है या नहीं हुआ है इसको आप चेक कर सकते हो। कैसे करेंगे, इसे फिलहाल मैं ऑफ क्लोज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा टेक्सचर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और एक फोल्डर के अंदर डाल लेते हैं। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं साईफाई ग्रेनेड। अभी देखिए यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे ये आईरे ओपन हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी होता है F10, तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ देखिए आ रहा है आयरे वार्म अप। ठीक है, अब यहाँ देखिए आयरे जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक और कितना बढ़िया सा आपको ये फील दे रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल ग्रेनेड जैसा आपको ये फील दे रहा है। आप चाहो तो अपना जो ये एनवायरनमेंट है इसको आप चेंज कर सकते हो शिफ्ट और बी के साथ। और बाकी जो सब्सटेंस पेंटर का नेविगेशन है वो नॉर्मल ही होता है जैसा माया में है। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेटिंग, वहाँ पे जाकर अपना कैमरा आपका जो इन्वायरमेंट है उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे सपोज करिए मैं ये डाल लेता हूँ, अभी देखिए सबसे बढ़िया जो इसमें एक होता है, यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो स्टूडियो टोमोको इस वाले पे, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये बिल्कुल आपको बढ़िया सी इफ़ेक्ट देता है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसको आप हटा सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर कलर, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट रोटेशन आता है, तो मैं इसे थोड़ा एनवायरनमेंट को रोटेट करता हूँ यहाँ से, सेम ये शिफ्ट बी वाला जो था वो वही है,
क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सामने से इस पे कलर, इस पे लाइट आए। यस एग्जैक्टली इतना। ठीक है, अभी देखिए ये कितना बढ़िया सा लग रहा है। थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये जो आप देख सकते हो रेंडर सेटिंग, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आता है सैंपल्स। अभी देखिए सैंपल्स हमारे पास कितने हैं, 1000 सैंपल है मैक्सिमम और मिनिमम सैंपल है 5। हमें क्या करना है, यहाँ देखिए टाइम आपको दिखा रहा है 10 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 1000 सैंपल वाला 10 सेकेंड के अंदर तो आपका कभी भी रेंडर होगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे करता हूँ 5 और इसे मिनट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये 5 मिनट तक ये रेंडर लेगा। तो अभी देखते हैं, अगर आप जितना टाइम आप बढ़ाएंगे उस आपकी जो रेंडर की जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि हमारा रेंडर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए डन दिखला रहा है, इसका मतलब ये रेंडर कंप्लीट हो गया। और इटरेशंस में देखिए तो 214 यानी कि 214/1000 दे रहा है, मतलब 1000 हमारा मैक्स सैंपल्स था, बट चूंकि हमने सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम दिया था, इस वजह से 5 मिनट के अंदर उसने सिर्फ 214 ही सैंपल्स को वो रेंडर कर पाया, तो इसलिए ये 214 दिखा रहा है। अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो ये पूरा 1000/1000 को भी रेंडर कर देता और भी ज़्यादा क्लियर आपको रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता। ओके, तो यहाँ से हम लोग पेंटिंग मोड पे चले जाएंगे वापस। और अच्छा, एक और चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डिस्प्ले सेटिंग में चल जाएँ तो अब यहाँ पर कोई सा भी अपना इन्वायरमेंट लेके इसकी अगर ओपेसिटी को बढ़ा दें और ब्लर को डाउन कर दें तो आप देख सकते हैं कि आप एक प्रीव्यू देख सकते हो रेंडर का, व्यूपॉर्ट के ही अंदर एक रेंडर का प्रीव्यू आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर गाइज एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।